हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद एलके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट के बारे में कि पेट क्या है, अभी तक कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के विभाग में नौकरी मिल सकती है और कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी आयु सीमा और कितने नंबर की होगी परीक्षा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें तभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है आपका, उसकी तरफ से ये परीक्षा करवाई जाएगी यानी प्रारंभिक परीक्षा, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है। और इसके लिए क्या होगा कि आपकी जो समूह गा की वैकेंसी होती है यानी ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसके लिए आप आहार्य माने जाएंगे, लेकिन कब, जब आप पीटी क्लियर कर लेंगे यानी पीटी जो आपकी 100 नंबर की परीक्षा होगी अगर ये क्लियर कर लेंगे तभी आप इसके लिए आहार होंगे। और ये 100 नंबर की आप की परीक्षा होगी और 2 घंटे क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो 2 घंटे के पेपर में आपको 100 नंबर करने होंगे। 100 नंबर जब आप एक पास करने की क्राइटेरिया रखी जाएगी, अगर आप अपने नंबर पा रहे हैं तभी आप पास माने जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप जो यूपी ट्रिपल एससी के जरिए जो वैकेंसी निकलती हैं ग्रुप सी की यानी कि लेखपाल, वीडियो, अन्य वैकेंसी जो निकलती हैं उससे क्या होगा कि आपका एक ही आवेदन के जरिए आप सारी वैकेंसी में बैठ सकेंगे, लेकिन कब, जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तब। तो ये हो गई थी बात की पिट क्या है, अभी तक कितने लोगों ने आवेदन किया है। जैसे आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यानी कि यूपी टेट, अगर आप यूपी टेट पास नहीं करते हैं उसके बगैर आप लिखित परीक्षा में यानी जो वैकेंसी निकलती है उसमें नहीं बैठ पाएंगे। तो यही है पिट का एक फार्मूला कि अगर आपने पिट आवेदन किया है और इसका एग्जाम देंगे तभी आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता। तो अगर आप 18 से 40 साल के हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो बाकी की एज लिमिट जो छूट है वो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एज में छूट मिलेगी। तो मेन जो है 18 से 40 साल है। और हम बात करें कि कितने नंबर की परीक्षा होगी, तो हमने बता दिया कि 100 नंबर की परीक्षा होगी और 2 घंटे का पेपर होगा। अभी हम आपको सिलेबस भी दिखा रहे हैं और एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहें। आपको बात बताना चाह रहे हैं कि आज है 21 जून और है विश्व योगा दिवस, और आज ही क्या है इसकी यूपी ट्रिपल एससी की लास्ट डेट है, यानी कि लास्ट डेट जो है आज ही। और गवर्नमेंट ने कह दिया, आयोग ने कह दिया कि अब हम भैया इसका आवेदन की तिथि बढ़ाएंगे नहीं, यानी कि अब वो आवेदन की तिथि बढ़ाएगा नहीं। अब बात करें कि कितने लोगों ने आवेदन किया, तो अभी तक भैया जो 15 लाख यानी 15 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है और इसके 24 लाख से अधिक क्या है कि आपके फॉर्म भरे पड़े हुए हैं, यानी कि 15 लाख लोगों ने आवेदन किया है और कम से कम 8 लाख लोगों ने अभी तक फीस ही नहीं सबमिट किया, यानी कि आगे का स्टेप ही नहीं बढ़ाया है। बहुत से लोगों को खांसी आ गई, पेट के बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो वैकेंसी है आपकी, देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली सबसे परीक्षा की सबसे बात खास बात यह कि इसमें सभी विषयों को शामिल किया गया है और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 अंकों की परीक्षा होगी और 2 घंटे का क्या होगा, समय होगा इसको इसमें करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी क्या की गई, व्यवस्था की गई है। अब क्या होता है कि इसमें विभिन्न जो विभाग आपके होते हैं विशिष्ट जरूरतों और सेवा नियमों के प्रावधानों के हिसाब से पीटी के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे अभ्यर्थी, और मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आपकी की जाएगी। दोस्तों, और एक बात, अगर आप कक्षा 10 पास हैं, 10th पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बात, आप आगे की भी जो एग्ज़ाम पास किए हैं 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर फिल करके आप भर सकते हैं, आपको आपकी अर्हता के हिसाब से नौकरी मिलेगी। और यहाँ बात करें, ये रहा आपका सिलेबस, सिलेबस की हम बात करेंगे तो आपका पूछा जाएगा भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क शक्ति एवं सामायिकी, यानी कि आपका जो प्री में लगभग लगभग जो यूपी ट्रिपल सी का होता है उसी के हिसाब से इसमें सब पूछा गया है। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।